क्या हुआ शर्मा जी ने क्या कहा? कुछ भी नहीं किया, बहुत ही पत्थर दिल इंसान है वे। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। दहेज की रकम एक पैसा भी कम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, 5 लाख पहले लूंगा और 5 लाख विवाह मंडप में फेरे पड़ने से पहले लूंगा। कैलाश शर्मा आपके पुराने दोस्त भी है? मैंने अब दोस्ती का भी वादा दिया था, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा, व्यापारों में दोस्ती का कोई महत्व नहीं। वह इंसान नहीं भेड़िया है, वह शादी को भी व्यापार समझ बैठा है। अब क्या होगा? यह शादी होगी, मैं सब कुछ दांव पर लगाकर अपने लड़की की उस घर की दुल्हन बनाऊंगा। आज रमेश आया था, उसने भी बताया लड़का तो लाखों में एक है। शीला की माँ, लड़का तो मुझे भी पसंद है। तब तो शीला को उस घर की बहू जरूर बनाऊंगा। बनाऊंगी। आप उस लड़के को हाथ से ना जाने दीजिए, भले ही आज उसका कुछ नहीं है, कल तो वही सारा संपत्ति का मालिक बनेगा। मेरी बेटी तो राज करेगी। अब जितना जल्दी हो सके कैलाश शर्मा के यहाँ जाकर लड़के को तिलक चढ़ा दीजिए। रुपये का प्रबंध तो हो ही जाएगा, 6 लाख बैंक में है, उसे ले लेता हूँ। फिर भी तो 4 लाख चाहिए। नहीं होगा तो इस मकान को गिरवी रख दूंगा। लेकिन इतने रुपए से तो काम नहीं चलेगा। देखा जाएगा, कोटे है, कोटे। किसी ना किसी तरह जुगाड़ कर ही लूंगा। फिर यह मकान छूटेगा कैसे? किसी तरह छूट ही जाएगा, इसके अलावा तो कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, शादी की बात पक्की ही समझो। शीला से भी तो पूछ लेना चाहिए। तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। जब मेरी शादी तुमसे हुई थी, तेरे माता पिता क्या तुमसे पूछे हुए थे? नहीं, लेकिन तब जमाना कुछ और था, और कुछ और है। लेकिन शीला भी तो हमारी लड़की है, उनका फैसला तो हम लोगों का फैसला होगा। शीला से चर्चा करना। ठीक है, चाहो तो शीला से बातें कर लो।
आज तो नहीं, कल शीला से चर्चा करूंगी। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, शीला यदि ना करे तो साफ साफ कह देना, हम लोग उनकी माता पिता हैं, उनके भविष्य की चिंता हम लोगों पर है। अच्छा और बुरा का ख्याल तो हम लोग ही करेंगे। जल्दी लौटिएगा। अरे हाँ, एक बात तो कहना कहना ही भूल गए। वो क्या? मुझे 10 तारीख को शर्मा जी के यहाँ तिलक चढ़ाना है, तुम भी तैयारी करो। ठीक है। जोरदार ताली हो जानी चाहिए भाइयों बहनों। आइए अब चलते हैं नाटक के छठे दृश्य की ओर। पिताजी, शादी विवाह कोई गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं, जिससे चाहा कर दिया। मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ, कौन है, कैसी है। अरे तुम्हारे देखने ना देखने से क्या होता है। मैं उस लड़की को अच्छी तरीके से देख के आया हूँ। पिताजी, शादी आपको नहीं मुझे करनी है। शरद, तुम हमसे आगे बढ़ रहे हो। पिताजी, यह शादी मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और हम दोनों ने कसम खाई है एक दूसरे के साथ शादी करूंगा। बेवकूफ, बाहर निकलने के बाद पक्षी अपना घोंसला भूल जाता है, वही हालत तुम्हारी है। क्या मैं इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया? मुझे मजबूर मत करो सरोज, नहीं तो मैं जब भी शादी करूंगा तो उसी लड़की से। सरोज, आज तक जिस राज को हमने सीने में दफन कर रखा है उस कब्र की खुदवाने की कोशिश मत करो। मेरे पिताजी, पिताजी कुछ भी हो, मैं यह शादी करने में असमर्थ हूँ। तुम अपनी औकात मत भूलो सरोज, तुम यह भी मत भूलो तुम कौन हो और कहां से आए हो। जरा तुम ही सोचो बेटा, लड़की वाले शादी की रस्म अदा कर चुके हैं और तिथि भी निश्चित कर चुके हैं। ऐसी हालत में शादी से मुकर जाना क्या अच्छा है? मेरी राय भी तो आपको जान लेनी चाहिए थी पिताजी। मैं कोई जानवर तो नहीं, आप जहां चाहे बेच दिया। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप दहेज के मोटी रकम के लालच में मेरी मनमानी शादी करना चाहते हैं। बेटा, मैंने तुम्हें कोई बेच तो नहीं दिया। अरे दहेज का रकम बाप दादाओं के समय से चलते आ रहा है। पिताजी, दहेज लेना देना कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है, पकड़े जाने पर जेल की भी सजा हो सकती है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप कुछ भी करें, यह शादी मैं हरगिज नहीं करूंगा।
मैं उसी लड़की लड़की से शादी करूंगा जिसे मैंने वचन दिया है। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं सरोज, बरजात में शादी कर लो। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे भले बुरे की चिंता मुझे है। मेरे पिताजी ने जब मेरी शादी की थी, मैं तुम्हारी तरह कोई सवाल जवाब नहीं किया था, लेकिन तुम पिताजी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस रिश्ते को आप तोड़ दीजिए। क्या यह रिश्ता नहीं अब टूट सकता? तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, और वो भी मेरी मर्जी से। यह शादी मैं हरगिज नहीं करूंगा। क्या क्या यह तुम्हारा अटल फैसला है? जी हाँ। तुम कैलाश शर्मा के पुत्र हो, यह तुम्हारी भूल है। यह भी तुम अच्छी तरह जान लो, सारी जायदाद से तुम्हें हाथ धोनी पड़ सकती है, और तुम जहां से आए हो वही लौट के तुम्हें जाना पड़ेगा। तब मैं देखूंगा तुम उस प्रेम का तो कहां से सुख सुविधा दोगे। पिताजी, ओ तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? हां तुम मेरे पुत्र नहीं हो। यह भी एक लंबी कहानी है। उस वक्त मैं कलकत्ते में बहुत बड़ा व्यापार कर रहा था। एक मनहूस शाम को मैं अपनी पत्नी के साथ कार में जा रहा था। मेरी कार एक ट्रक के टकराने से मेरी पत्नी चली गई। मेरे बाल बच्चे 5 साल तक नहीं हुए। दोस्तों के लाख कहने के बावजूद भी मैंने दूसरी शादी नहीं की। तुम्हें कलकत्ते के अनाथालय से गोद ले लिया, और तुम उस वक्त सिर्फ 6 वर्ष के थे। तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हें सीने से लगा कर रखा बेटा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज तुम मेरे मुंह पर चाटा मार रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सरान। ओ अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बेटा आप तुम्हें वही करना है जो मैंने कह दिया है। पिताजी मैं अपना प्यार बलिदान कर सकता हूं, लेकिन आपके अरमानों की गला नहीं घोट सकता। आप जो चाहते हैं वही मैं करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सरोज। बहुत सुंदर, जोरदार ताली हो जानी चाहिए भाइयों बहन। ऐसी बातें मत कहो बेटी। पहले मेरी राय भी तो जान लेनी चाहिए थी। अगर तेरी राय ना ली गई, इसमें तेरा क्या बिगड़ता है बेटी? माँ तू क्या समझेगी,
मेरा क्या बिगड़ रहा है? मैं तेरी माँ हूँ बेटी, बोल तुझे क्या तकलीफ है? यह मैं नहीं बता सकती माँ, लेकिन मैं यह शादी नहीं करूंगी। आखिर क्या वजह है बेटी, आखिर तू शादी करने से इनकार कर रही हो? मैं तुझे कैसे समझाऊंगा? तू मुझे क्या समझाएगी? मैं तेरी माँ हूँ। माँ, जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वह कैसा है जानती भी हो? लाखों में एक है। यह तुम कैसे जानती हो? तेरे पिताजी ने देखा है बेटी, उन्होंने कहा लड़का बहुत ही भला और नेक ईमानदार भी है। और तुझे विश्वास हो गया? माँ, जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है उससे न मैं जानती हूँ न पहचानती हूँ, भला मैं यह कैसे मान लूँ कि मेरा होने वाला जीवन साथी अच्छा है? अब पता नहीं कौन है कैसा है। अरे मैं तो जानती हूँ, लड़का धनवान है, गुणवान है और पढ़ा लिखा भी है। माँ, मुझे धनवान नहीं, मुझे ऐसा पति चाहिए जो नेक और ईमानदार हो। लड़के में सभी गुण है बेटी, उसमें चाहे कितने भी गुण क्यों न हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। शीला, बेटी जब जवान हो जाती है तो माँ बाप के कंधे का बोझ बन जाती है। तो क्या मैं तुम्हारे कंधे का बोझ बन गई हूँ? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, यह तो सांसारिक बातें हैं बेटी। माँ, मैं प्रार्थना करती हूँ यह शादी मैं नहीं करूँगी, मुझे मजबूर मत करो। अब यह कैसे हो सकता है? दहेज की रकम अदा हो चुकी है, सभी संबंधियों के यहाँ विवाह निमंत्रण कार्ड भी जा चुके हैं, विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी है। ऐसी हालत में शादी रुक गई तो लोग क्या कहेंगे बेटी? लोगों को जो कहना होगा कहेंगे, लेकिन मैं यह शादी नहीं करूंगी। बेटी कहीं कहीं तो अच्छा सा था, बेटी को क्यों तुम बच्ची की तरह जिद करती हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कहीं तू क्यों शादी नहीं करना चाहती? ओ माँ, मैं तुझे क्या जवाब दूँ? ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, मैं अब कुछ नहीं जानती, तू जाने और तुम्हारे पिताजी जाने। मैं पिताजी से कुछ नहीं कर सकती, जो कहना था मैं तुझे कह चुकी। और मैं भी कुछ नहीं जानती, जो कहना हो उन्हीं के सामने कहना। क्या बात है बेटी शीला, क्या बात है राधा? जो पूछना है वो अपनी बेटी से पूछिए, मैं कुछ भी नहीं जानती। क्या बात है बेटी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। बेटी यह शादी रुकनी असंभव है, यह शादी रुक गई सदा के लिए मेरी माथे पे कलंक का टीका लग जाएगा। बेटी तुम अपने दुखी पिता का चेहरा तो देख। इला
तुमसे इज्जत की भीख मांगता हूँ बेटी। यह शादी तुमने नहीं की, कसम भगवान की मैं आत्महत्या करूंगा। नहीं नहीं पिताजी, आप आत्महत्या नहीं करेंगे। क्या शादी मैं करूंगी, जरूर करूंगी बेटी। तुमने मेरी लाज रख ली मेरी अच्छी बेटी। बहुत सुंदर, जोरदार ताली हो जाए।